तो अतीक अहमद के दो अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्टेटमेंट। एक जगह वो कह रहा है कि कोर्ट के कंधे पर उसे मारने की कोशिश की जा रही है, दूसरी जगह वो कह रहा है कि उसे डर नहीं लग रहा है। लेकिन दरअसल हकीकत है क्या? क्योंकि जब जब ये काफिला रुकता है तो धड़कनें बढ़ जाती हैं, अतीक अहमद की नहीं उनके परिवार वालों की, क्योंकि बहन इस काफिले के साथ ही चल रही है। और आज तक से बातचीत में बहन ने यह साफ किया था कि कैसे लगातार परिवार को ये आशंका है कि अतीक अहमद का एनकाउंटर किया जा सकता है, यानी कि अभी भी परिवार इस डर के साए में जी रहा है। गुजरात के साबरमती से तीर्थराज प्रयाग की यात्रा पर निकला है माफिया और अपराधी अतीक अहमद। अतीक की ये कोर्ट यात्रा साबरमती से शुरू हुई तो सलाखों के बाहर पांव रखते ही हत्या का डर उसके चेहरे पर था। जिस अपराधी के गुनाहों की फेहरिस्त सैकड़ा पार करती है, उसकी आंखों में मौत की आशंका वाली दहशत दिख रही थी। हालांकि अतीक के दिल की दहशत को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के स्पेशल 45 की टीम उसके साथ थी। अभेद्य सुरक्षा घेरे में उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ता काफिला शाम 7 बजे हिम्मत नगर पहुंच चुका था। अतीक अहमद के काफिले के साथ यूपी पुलिस की टीम के अलावा मीडिया के वाहनों की लंबी कतार थी, साथ ही अतीक के परिवार वाले भी उसके काफिले के साथ थे। रात के करीब 9 बजे अतीक को लेकर जा रही यूपी पुलिस का काफिला ऋषभ देव उदयपुर हाईवे पर जैसे ही रुका, अतीक की धड़कन बढ़ गई। अतीक अहमद का काफिला वॉशरूम ब्रेक के लिए रुका, अतीक बेहद सहमा सहमा दिख रहा था। पुलिस वाले उसे पकड़ कर ले जा रहे थे। धीमे कदमों से वो पुलिस वैन में चढ़ रहा था। उदयपुर में पेट्रोल पंप पर जब एक बार फिर यूपी पुलिस का काफिला पेट्रोल लेने के लिए रुका तो अतीक की धड़कन बढ़ गई। हालांकि रिफिलिंग के बाद पुलिस का काफिला अतीक को लेकर आगे की तरफ बढ़ चुका था और रात 1:30 बजे के करीब कोटा पहुंचा। अतीक अहमद का काफिला आगे बढ़ता जा रहा था। रात करीब 3:30 बजे राजस्थान की सरहद से निकलने के बाद पुलिस का काफिला मध्य प्रदेश की ओर बढ़ गया था। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अतीक अहमद के दिल की धड़कन एक बार फिर तेज हो गई जब पुलिस के काफिले से गायों का एक झुंड टकरा गया। हादसे में गोवंश के जख्मी होने के बाद काफिला थोड़ी देर के लिए रुका तो अतीक की धड़कन बढ़ गई। सत्ताईस मार्च की सुबह अतीक अहमद उत्तर प्रदेश की सरहद में दाखिल हो चुका था। सबसे पहले झांसी की सीमा में घुसते ही अतीक की धड़कन एक बार फिर बढ़ी। इसी में जो माफिया अतीक अहमद वो मौजूद है और लगातार हमने वो तस्वीरें भी भेजी थी कि किस तरीके से डर खौफ दहशत वो माफिया डॉन अतीक अहमद के चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। तकरीबन 4 साल बाद वो उत्तर प्रदेश पुलिस की सीमा में दाखिल हो चुका है 4 साल के बाद। हालांकि अतीक अहमद ने अपनी जान को खतरे का इतना शोर मचा रखा था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे पूरे हिफाजत के साथ प्रयागराज तक पहुंचाने की मुहिम पर थी। दूसरी ओर अतीक के घर वाले लगातार उसके एनकाउंटर की आशंका जाहिर करते जा रहे थे। अतीक अहमद के काफिले के साथ गोपी घांगर और अरविंद ओझा आज तक।